वो न्यूज चैनल जो शुद्ध के हवाले से जो न्यूज पड़ोसते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वह चला दे? अरे भैया कहां जा रहे? अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को जिसके लिए वो ये न्यूज परोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे। अगर है तो क्या मजाक बना रखा इस देश का? हमने इसीलिए कहा ना कल कि ये तीन जमाई है भाजपा के, कौन कौन, इनकी सीबीआई, इनकम टैक्स, कल ही छापा पड़ा, जो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया उस पर कार्रवाई, झूठा मुकदमा, बेइज्जत किया जा रहा है, बदनामी की जा रही है, और जो रेलवे को बेच रहा है, देश की संपत्ति को बेच रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरा सवाल पूछा जाएगा कि क्या सीबीआई में हिम्मत है, औकात है कि वो खट्टर जी पर मुकदमा करेंगे और जांच करेंगे, भाजपा सांसद पर मुकदमा करेंगे, जांच करेंगे, एमएलए पे भाजपा के, क्या हिम्मत है सीबीआई को? भाजपा के वो केंद्र में मंत्री है ना जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा किया जाएगा, मुख्यमंत्री बनने का समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, बिहार है उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो लोग खेला करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव हताश है, निराश है, परेशान है और भदवासी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं तेजस्वी, किसको ठंडा करने की बात कर रहे हैं? पहले तेजस्वी अपने गिरेबान में छाके और यादव समाज की बात करते हैं, तेजस्वी तो भेड़ चराने वाले हैं और नित्यानंद राय यादव समाज के गौपालक हैं, गौवंशी हैं, गाय चराने वाले हैं। बिहार की जनता को भी पता है कि असली यादव कौन है और ये धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी को यह पता होना चाहिए नित्यानंद राय ने गाय, गीता और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया है और आने वाले समय में बिहार की जनता भी तय करेगी कि यादव समाज का नेता कौन है, यादव समाज का असली बेटा कौन है। और इस तरह से भ्रष्टाचार करके, अनर्गल प्रलाप करके और गरीबों का खून चूस के कोई यादव समाज का बड़ा नेता नहीं बनता है। और जिसने गाय, गीता और धर्म की रक्षा का संकल्प किया है उसको इन गीदर भभकी से किसी को डर नहीं लगता है। 23 सीट पर पहुंच जाएंगे, 23 सीट पर।